शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, ईडी के दबाव में पार्टी छोड़ने वाले नहीं हो सकते बाला साहेब के भक्त। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने दिया बड़ा बयान। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि उनकी पार्टी आज भी पूरी तरह मजबूत है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए दावा किया, आज भी हमारी पार्टी मजबूत है। किस हालात और किस दबाव में उन लोगों ने हमारा साथ छोड़ा, उसका खुलासा जल्द होगा। संजय राउत ने दावा किया कि करीब 20 विधायक उनके संपर्क में है और जब वे मुंबई आएंगे तब इसकी जानकारी सामने आएगी। उन्होंने तंज किया कि जो लोग प्रवर्तन निदेशालय के दबाव में पार्टी छोड़ते हैं वो बाला साहेब को मानने वाले नहीं हो सकते। महाराष्ट्र सरकार में अफरा तफरी के बीच सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने भी अपना पक्ष रखा है। प्रशांत भूषण ने जो कहा उससे पहले सोशल मीडिया यूजर्स के कुछ रिएक्शंस देखिए। एनडीटीवी के रिपोर्टर सौरभ शुक्ला ने ट्वीट करके लिखा, आप सोचिए आप किसी पार्टी को बहुमूल्य वोट देते हैं पर बाद में वो किसी 5 सितारा होटल में किसी और पार्टी से बिक रहा होता है, कितना बड़ा धोखा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अरुण यादव ने ट्वीट करके लिखा, शिंदे जी ने बजरंग रूप धारण कर उद्धव लंका को ध्वस्त कर दिया। पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट राजीव ध्यानी ने अरुण यादव को जवाब देते हुए कहा, उसे बजरंग रूप नहीं विभीषण रूप कहते हैं यादव जी। पत्रकार उत्कर्ष सिंह ने लिखा, इस देश में असली मौज विधायकों की ही है। पत्रकार शिवांगी ठाकुर ने ट्वीट करके लिखा, और कमाई होटल रिजॉर्ट मालिकों की। वहीं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने ट्वीट करके लिखा, यदि शिवसेना के दल बदलू महाराष्ट्र सरकार को गिराते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए और विधायक को भंग कर दिया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के लोगों को ये तय करने में सक्षम बनाने के लिए नए चुनाव होने चाहिए कि क्या वो इन आया राम और गया राम को अपने विधायक के रूप में चाहते हैं। शिवसेना के सांसद संजय राउत और सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण के इस सुझाव को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि राजनीतिक गलियारों से जुड़ी हर अपडेट जल्द से जल्द आप तक पहुँचती रहे।